मेरे प्यारे देशवासियों ये मेरा सौभाग्य है कि मन की बात के माध्यम से मुझे कच्छ से लेकर कोहिमा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर के सभी नागरिकों को फिर एक बार नमस्कार करने का मौका मिला है आप सबको नमस्कार हमारे देश की विशालता और विविधता इसको याद करना इसको नमन करना हर भारतीय को गर्व से भर देता है और इस विविधता के अनुभव का अवसर तो हमेशा ही अभिभूत कर देने वाला आनंद से भर देने वाला एक प्रकार से प्रेरणा का पुष्प होता है कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता संस्कृति परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किए पारंपरिक वस्त्र हस्तशिल्प कालीन बर्तन बांस और पीतल के उत्पाद पंजाब की फुलकारी आंध्र प्रदेश का शानदार लेधर का काम तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग्स उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद भदोही की कालीन कश के कॉपर के उत्पाद अनेक संगीत वाद्य यंत्र अनगिनत बातें समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियां भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया आज वो न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है हुनर हाट में मुझे कई और शिल्पकारों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं और पिछले तीन वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख कारीगरों शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही है। साथ ही साथ ये लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है एक जगह है जहाँ इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव ही है शिल्प कला तो है ही है साथ साथ हमारे खान पान की विविधता भी है वहाँ एक ही लाइन में इडली डोसा छोले भटूरे दाल बाटी खमन खाणवी न जाने क्या क्या था मैंने खुद भी वहाँ बिहार के स्वादिष्ट लिट्टी चोखे का आनंद लिया भरपूर आनंद लिया भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है भारत को जानने के लिए भारत को अनुभव के लिए जब भी मौका मिले जरूर जाना चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत को जी भर जीने का यह अवसर बन जाता है आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे बल्कि आप देश की मेहनती कारीगरों की विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे जरूर जाइए मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश के महान परंपराएं हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है जिसमें जीव मात्र के प्रति दया का भाव प्रकृति के प्रति अपार प्रेम ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियाँ के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीशीज का भी आश्चार बना रहता है और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं 500 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं पिछले दिनों गांधीनगर में कॉप थर्टीन कन्वेंशन जिसमें इस विषय पर काफ़ी चिंतन हुआ मनन हुआ मंथन भी हुआ और भारत के प्रयासों की काफ़ी सराहना भी हुई साथियों ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आने वाले तीन वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पीसीज पर होने वाले कॉप कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा इस अवसर को कैसे उपयोगी बनाएं इसके लिए आप हमने सुझाव ज़रूर भेजें कॉप कन्वेंशन पर हो रही इस चर्चा के बीच मेरा ध्यान मेघालय से जुड़ी एक अहम जानकारी पर भी गया हाल ही में बायोलॉजिस्ट ने मछली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेघालय में गुफाओं के अंदर पाई जाती है माना जा रहा है कि यह मछली गुफाओं में जमीन के अंदर रहने वाले जल जीवों की प्रजातियों में से सबसे बड़ी है यह मछली ऐसी गहरी और अंधेरी अंडरग्राउंड क्वेव्स में रहती है जहाँ रोशनी भी शायद ही पहुँच पाती है वैज्ञानिक भी इस बात से आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी मछली इतनी गहरी गुफाओं में कैसे जीवित रहती है यह एक सुखद बात है कि हमारा भारत और विशेष तौर पर मेघालय एक दुर्लभ प्रजाति का घर है यह भारत की जैव विविधता को एक नया आयाम देने वाला है हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अनडिस्कवर्ड है इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनून जरूरी होता है महान तमिल कवयित्री अवैर ने लिखा है कटत कैमणवु कल्लादरु दरु उड़गड़वु कटद कैम अड़व औला अड़व इसका अर्थ है कि हम जो जानते हैं वह महज एक मुट्ठी भर रेत है लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वह अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के समान है इस देश की विविधता के साथ भी ऐसा ही है जितना जाने उतना कम है हमारी बायोडायवर्सिटी भी पूरी मानवता के लिए अनोखा खजाना है जिसे हमें संजोना है संरक्षित रखना है और एक्सप्लोर भी करना है मेरे प्यारे युवा साथियों इन दिनों हमारे देश के बच्चों में युवाओं में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है अंतरिक्ष में रिकॉर्ड सैटेलाइट का प्रक्षेपण नए नए रिकॉर्ड नए नए मिशन हर भारतीय को गर्व से भर देते हैं जब मैं चंद्रयान टू के समय बेंगलुरु में था तो मैंने देखा था कि वहाँ उपस्थित बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था नींद का नामो निशान नहीं था एक प्रकार से पूरी रात वो जागते रहे उनमें साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर जो उत्सुकता थी वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं बच्चों के युवाओं के इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए उनमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए एक और व्यवस्था शुरू हुई है अब आप श्री हरिकोटा से होने वाली रॉकेट लॉन्चिंग को सामने बैठकर देख सकते हैं हाल ही में इसे सबके लिए खोल दिया गया है विजिटर गैलरी बनाई गई है जिसमें दस हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है इसरो की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं मुझे बताया गया है कि कई स्कूल अपने विद्यार्थियों को रॉकेट लॉन्चिंग दिखाने और उन्हें मोटिवेट करने के लिए टूर पर भी ले जा रहे हैं मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में वे इसका लाभ जरूर उठाएं। साथियों मैं आपको एक और रोमांचक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने नमो ऐप पर झारखंड के धनबाद के रहने वाले पारस का कमेंट पढ़ा पारस चाहते हैं कि मैं इसरो के युविका प्रोग्राम के बारे में युवा साथियों को बताऊं युवाओं को साइंस से जोड़ने के लिए युविका इसरो का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है 2019 में यह कार्यक्रम स्कूली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था युविका का मतलब है युवा विज्ञानी कार्यक्रम यह कार्यक्रम हमारे विजन जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के अनुरूप है इस प्रोग्राम में अपने एग्ज़ाम के बाद छुट्टियों में स्टूडेंट्स इसरो के अलग अलग सेंटर्स में जाकर स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में सीखते हैं आपको यदि यह जानना है ट्रेनिंग कैसी है किस प्रकार की है कितनी रोमांचक है पिछली बार जिन्होंने इसको अटेंड किया है उनके एक्सपीरियंस अवश्य पढ़ें आपको खुद अटेंड करना है तो इसरो से जुड़ी युविका की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं मेरे युवा साथियों मैं आपके लिए बताता हूं वेबसाइट का नाम लिख लीजिए और ज़रूर आज ही विजिट कीजिए डब्ल्यू जी डॉट इन लिख लिया ना मेरे प्यारे देशवासियों 31 जनवरी 2020 को लद्दाख की खूबसूरत वादियाँ एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के ए एन थर्टी टू विमान ने जब उड़ान भरी तो एक नया इतिहास बन गया इस उड़ान में टेन परसेंट इंडियन बायोजेट फ्यूल का मिश्रण किया गया था ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजनों में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया यही नहीं लेह के जिस हवाई अड्डे पर इस विमान ने उड़ान भरी वह न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट में से एक है खास बात ये है कि बायोजेट फ्यूल को नॉन एडिबल टी बॉन ऑयल से तैयार किया गया है इसे भारत के विभिन्न आदिवासी इलाकों से खरीदा जाता है इन प्रयासों से न केवल कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी बल्कि कच्चे तेल के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती है मैं इस बड़े कार्य में जुटे सभी लोगों को बधाई देता हूँ विशेष रूप से सी एस आई आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के वैज्ञानिकों को जिन्होंने बायोफ्यूल से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव कर दिया उनका ये प्रयास मेक इन इंडिया को भी सशक्त करता है मेरे प्यारे देशवासियों हमारा नया भारत अब पुरानी अप्रोच के साथ चलने को तैयार नहीं है खासतौर पर न्यू इंडिया की हमारी बहनें और माताएं तो आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही हैं जिनसे पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है बिहार के पूर्णिया की कहानी देश भर के लोगों को प्रेरणा से भर देने वाली है ये वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है ऐसे में यहाँ खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है मगर इन्हीं परिस्थितियों में पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना साथियों पहले इस इलाके की महिलाएं शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थी जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था जबकि उसे खरीदने वाले लोग इन्हीं कोकुन से रेशम का धागा बनाकर मोटा मुनाफा कमाते थे लेकिन आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की और पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दी इन महिलाओं ने सरकार के सहयोग से मलबरी उत्पादन समूह बनाए इसके बाद उन्होंने कोकून से रेशम के धागे तैयार किए और फिर उन धागों से खुद ही साड़ियां बनवाना भी शुरू कर दिया आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहले जिस कोकुन को बेचकर मामूली रकम मिलती थी वही अब उससे बनी साड़ियां हजारों रुपयों में बिक रही हैं। आदर्श जीविका महिला मलबरी उत्पादन समूह की दीदियों ने जो कमाल की है उसका असर अब कई गांवों में देखने को मिल रहा है पूर्णिया के कई गांवों के किसान दीदियां अब न केवल साड़ियां तैयार करवा रही हैं बल्कि बड़े मेलों में अपने स्टॉल लगाकर बेच भी रही हैं। एक उदाहरण की आज की महिला नई शक्ति नई सोच के साथ किस तरह नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश की महिलाओं हमारी बेटियों की उद्यमशीलता उनका साहस हर किसी के लिए गर्व की बात है अपने आसपास हमें अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि बेटियाँ किस तरह पुरानी बंदिशों को तोड़ रही हैं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं मैं आपके साथ 12 साल की बेटी काम्या कार्तिकेयन की उपलब्धि की चर्चा जरूर करना चाहूँगा काम्या ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही माउंट कागुआ उसको फतेह करने का कारनामा कर दिखाया है यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो लगभग सात हज़ार मीटर ऊंची है हर भारतीय को ये बात छू जाएगी कि जब इस महीने की शुरुआत में काम्या ने चोटी को फतेह किया और सबसे पहले वहाँ हमारा तिरंगा फहराया मुझे यह भी बताया गया है कि देश को गौरवान्वित करने वाली काम्या एक नए मिशन पर है जिसका नाम है मिशन साहस इसके तहत वो सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने में जुटी है इस अभियान में उसे नॉर्थ और साउथ पोल्स पर स्की भी करना है मैं काम्या को मिशन साहस के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं वैसे काम्या की उपलब्धि सभी को फिट रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं इतनी कम उम्र में कामया जिस ऊंचाई पर पहुंची है उसमें फिटनेस का भी बहुत बड़ा योगदान है अ नेशन दैट इज फिट विल बी ए नेशन दैट इज हिट यानी जो देश फिट है वह हमेशा हिट भी रहेगा वैसे आने वाले महीनों तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत उपयुक्त है भारत की जियोग्राफी ऐसी है जो हमारे देश में एडवेंचर स्पॉट्स के लिए ढेरों अवसर प्रदान करती हैं एक तरफ जहां ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं तो वहीं दूसरी तरफ दूर दूर तक तो फैला रेगिस्तान है एक और जहां घने जंगलों का बसेरा है तो वहीं दूसरी ओर समुद्र का असीम विस्तार है इसलिए मेरा आप सब से विशेष आग्रह है कि आप भी अपनी पसंद की जगह अपने रुचि की एक्टिविटी चुने और अपने जीवन को एडवेंचर के साथ जरूर जोड़ें जिंदगी में एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना वैसे साथियों 12 साल की बेटी कामिया की सफलता के बाद आप जब 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा की सफलता की कहानी सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे साथियों अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं विकास करना चाहते हैं कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो पहली शर्त यही होती है कि हमारे भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए हमारी 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा हमें यही प्रेरणा देती है अब आप सोच रहे होंगे कि एक भागीरथी अम्मा कौन है भागीरथी अम्मा केरल के कोलम में रहती है। बहुत बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया छोटी उम्र में शादी के बाद पति को भी खो दिया लेकिन भागीरथी अम्मा ने अपना हौसला नहीं खोया अपना जज्बा नहीं खोया दस साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था 105 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल शुरू किया पढ़ाई शुरू की इतनी उम्र होने के बावजूद भागीनाथी अम्मा ने लेवल फोर की परीक्षा दी और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगी उन्होंने परीक्षा में पचहत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त किए इतना ही नहीं गणित में तो शत प्रतिशत अंक हासिल किए अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती है आगे की परीक्षाएं देना चाहती हैं जाहिर है भागीरथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत हैं प्रेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोत है मैं आज विशेष रूप से भागीरथी अम्मा को प्रणाम करता हूं साथियों जीवन के विपरीत समय में हमारा हौसला हमारी इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल देती है अभी हाल ही में मैंने मीडिया में एक ऐसी स्टोरी पढ़ी जिसे मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ ये कहानी है मुरादाबाद के हमीरपुर गांव में रहने वाले सलमान की सलमान जन्म से ही दिव्यांग है उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया साथ ही ये भी निश्चय किया कि अब वो अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे फिर क्या था सलमान ने अपने ही गांव में चप्पल और डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू कर दिया देखते ही देखते उनके साथ तीस दिव्यांग साथी जुड़ गए आप ये भी गौर करिए कि सलमान को खुद चलने में दिक्कत थी लेकिन उन्होंने दूसरों का चलना आसान करने वाली चप्पल बनाने का फैसला किया खास बात यह है कि सलमान ने साथ ही दिव्यांगजनों को खुद ही ट्रेनिंग दी अब ये सब मिलकर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी अपनी मेहनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार सुनिश्चित किया बल्कि अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट में पहुंचा दिया अब ये लोग मिलकर दिन भर में डेढ़ सौ जोड़ी चप्पलें तैयार कर लेते हैं इतना ही नहीं सलमान ने इस साल सौ और दिव्यांगों को रोजगार देने का संकल्प भी लिया है मैं इन सब के हौसले उनके उद्यमशीलता को सैल्यूट करता हूं। ऐसी ही संकल्प शक्ति गुजरात के कच्छ इलाके में अजरख गांव के लोगों ने भी दिखाई है साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सभी लोग गांव छोड़ रहे थे तभी इस्माइल खतरी नाम के शख्स ने गांव में ही रहकर अजरक प्रिंट की अपनी पारंपरिक कला को सहेजने का फैसला लिया फिर क्या था देखते ही देखते प्रकृति के रंगों से बनी अजरक कला हर किसी को लुभाने लगी और ये पूरा गांव हस्तशिल्प की अपनी पारंपरिक विधा से जुड़ गया गाँव वालों ने न केवल सैकड़ों वर्ष पुरानी अपनी इस कला को सहेजा बल्कि उसे आधुनिक फैशन के साथ भी जोड़ दिया अब बड़े बड़े डिजाइनर बड़े बड़े डिजाइन संस्थान अजरक प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे हैं गांव के परिश्रमी लोगों की वजह से आज अजरक प्रिंट एक बड़ा ब्रांड बन रहा है दुनिया के बड़े खरीदार इस प्रिंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं मेरे प्यारे देशवासियों हाल ही में देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद देश की चेतना को जागृत किए हुए हैं महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के आशीर्वाद आप पर बना रहे आपकी हर मनोकामना शिवजी पूरी करें आप ऊर्जावान रहें स्वस्थ रहें सुखी रहें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें साथियों महाशिवरात्रि के साथ ही बसंत ऋतु की आभावी दिनों दिन अब और बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में होली का भी त्यौहार है इसके तुरंत बाद गुड़ी पड़वा भी आने वाला है नवरात्रि का पर्व भी के साथ जुड़ा हुआ होता है रामनवमी का पर्व भी आएगा पर्व और त्यौहार हमारे देश में सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई ऐसा सामाजिक संदेश छिपा होता है जो समाज को ही नहीं पूरे देश को एकता में बांध कर रखता है होली के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय विक्रमी नववर्ष की शुरुआत भी होती है उसके लिए भी भारतीय नववर्ष की भी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं मेरे प्यारे देशवासियों अगली मन की बात तक तो मुझे लगता है कि शायद विद्यार्थी परीक्षा में व्यस्त होंगे जिनकी परीक्षा पूरी हो गई होगी वो मस्त होंगे जो व्यस्त हैं जो मस्त हैं उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आइए अगली मन की बात के लिए अनेक नई बातों को लेकर के फिर से मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार मैं हूं जया सिन्हा और अभी हम सब ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात इकसठवें संस्करण में 26 जनवरी को प्रधानमंत्री ने नए दशक में नए संकल्प के साथ भारत माता की सेवा करने का आग्रह किया था लेकिन आज उनके मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन नए भारत की नई उपलब्धियों के नाम रहा समाज के असल नायकों और